सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज का पंचांग 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:32 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर दोपहर 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मकर राशि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार, आज आप आत्मविश्वास से भरे हैं और यह बात आपकी भाव गंभीरता और नजरिए से साफ झलक रही है। आज हर कहीं आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय होंगे। अगर स्थितियां आपके पक्ष में नहीं भी दिख रही है तब भी आप उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। मन मुताबिक कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयासों की जरूरत है, परंतु आपका कोई सपना जरूर साकार होगा। अगर घर परिवर्तन संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो तुरंत उस पर अमल करें। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर नए अनुभव प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। नए लोगों के साथ जुड़ने की वजह से विचारों में परिवर्तन आ सकता है। कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सकारात्मकता बनी रहेगी। फायदे की वजह से काम में रुचि बढ़ने लगेगी। रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकती है। शरीर की गर्मी बढ़ने से त्वचा संबंधित विकार भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। सावधानियां, अपने व्यक्तिगत तथा महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ बनते हुए कार्यों में रुकावट आ सकती है। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसके रूपरेखा अवश्य बना ले। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों को परिवार जनों द्वारा विवाह संबंधित अनुमति मिल सकती है। अब आपका दिमाग पहले से अधिक शांत है और आप एक बार नए सिरे से उस गुलाब के रंग के चश्मे वाली लड़की को ढूंढने के लिए तैयार हैं। अब की बार आपको अनिश्चितता की उस भावना से बचना है जो हर बार आकर आपके जोश को ठंडा कर देती है। प्यार के हरियाली बाग में आराम से चलें। अब की बार आप निराश नहीं होंगे और प्यार के इस आसियानी में खुशी से रह पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाएंगी, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है और नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगी और इन सब कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपनी सारे लंबित कार्यों को पूरा कर दिया है। व्यावसायिक गतिविधियों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार का नुकसान होने की आशंका लग रही है। कर्मचारियों के किसी लापरवाही के वजह से कोई ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह बदल दूं, यहाँ तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय भी ले सकते हैं, या आप ताजा फलों या सब्जियों और मछली से बने सामान्य घर के बने खाने को पसंद करना शुरू कर सकते हैं। आप मसालेदार या भारी खाना नहीं खाएंगे। आप अब हल्का फुल्का और साधारण खाना पसंद करेंगे। इससे आप में काफी ऊर्जा आएगी और आप काफी युवा भी दिखेंगे। आज का उपाय, गरीबों को हरी मूंग और हरे कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।